जापान में युवक ने एक बच्चे से किया गलत काम, पुलिस ने युवक को कर लिया गिरफ्तार। जी हां, बिहार के सिवान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान में एक युवक ने एक बच्चे के साथ गलत किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा था। वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए घटना करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना बता दें कि सिवान जिले में घटी हुई है, जहां सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के छोटका माझा गांव निवासी राकेश राम पिता हरिकिशोर राम ने गांव के ही एक नाबालिग बच्चे के साथ गलत किया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। जैसे इस बात की जानकारी परिजन को मिली, परिजन ने तुरंत थाना पुलिस को जानकारी देकर मामले में कार्रवाई की मांग करने लगे, जिसके बाद मैरवा थाने की पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। शर्म की बात यह है कि युवक एक नाबालिग छोटे बच्चे के साथ काफी गलत काम किया हुआ है और गलत करके वीडियो वायरल कर दिया। वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं मैरवा थाने की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही आरोपी है जिसको पुलिस ने गलत करने के बाद गिरफ्तार किया है। वहीं इस संदर्भ में मैरवा थाना अध्यक्ष ने बताया कि एक छोटे बच्चे के साथ गलत करते वक्त उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया गया। वहीं परिजन के दिए आवेदन पर कागजी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी की पहचान सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के छोटका मझा के राकेश राम पिता हरिकिशोर राम के रूप में हुई है। वहीं मैरवा थाने की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।